अब किसान है ऊपर वाले के सहारे हैं। सब चरवाए लिए तहा कौन सरकार बन चलाओ तहा तू कागज पे कर रहे हैं। अच्छा, हकीकत में कुछ नहीं हो, कुछ नहीं कर रही है सरकार। जब सारा जो है फसल चौपट हो जाएगी तब करेंगे मोदी जी। बाराबंकी में कितनी गौशालाएं बनवाए हैं, खाली बात कर रहे हैं, जनता को ना वोट ले लेना, काम खत्म। ये सांड होते हैं, ये खेत चरते हैं और 24 घंटे किसान मतलब खेत रखाते हैं, फिर भी अनाज से नहीं होने पाते हैं। अब हमारे पास मान के लिए 70-80 बोरा धान होता था, वो 40-45 बोरा हुए लमसम। ये कब से शुरू हुआ है ये सर? जब से योगी सरकार आई है तब से ये समस्या शुरू है। सामने जो आप लोग देख रहे हैं है, यही समस्या खेत में आके रातों दिन चल रही हैं और जो है हम लोग का बहुत नुकसान खेत, जैसे कि जो किसान हैं बेचारे बहुत नुकसान में हैं हाँ। और उसके बाद इसके लिए हमारा सरकार कुछ करे, जो कि गौशाला हमारे हरदीपुर में हो है भी, कैसा भी करके ये सबको हटाएं हाँ, किसान भाई बड़े आराम से अपना दो रोटी खा लेंगे। आवारा मवेशियों से अपनी फसल को बचा पाना आज किसानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ठंड की रात में भी किसान अपने खेतों के किनारे जग रहे हैं। कुछ सामर्थवान किसानों ने तो खेतों को चारों तरफ से इस तरह के कटीले तारों से बांधा हुआ है जिससे कि मवेशी खेतों में न घुस सकें, लेकिन मवेशियों का झुंड इन्हें भी तोड़ते फांदते हुए खेतों में घुस जा रहा है। मवेशियों के बचने के लिए इस फसल बहुत नुकसान हो रहा है, अगर न रुकी है तो फिर जो है सब खत्म कर दिए। अरे 7 बजे से मान चलो सुबह 5 बजे तक ड्यूटी देना काम है और दिन में जो 2-3 चक्कर देखो उसका मतलब नहीं, इतना जो है जानवर आता है और नुकसान तो होता है। हम कहा किया जाए, सर्दी भी लगत है, सब कुछ है, इतनी ठंडी हो रही। चारा है जो है बोलते हैं यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं पशुओं की, जो है अगर रहने की व्यवस्था होगी यहाँ पशु आए तो ठीक रहता है जो है, और वहाँ यहाँ ला के डाल दिए पर डे, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन पशु मरते नहीं हो जो है। जब से यहाँ बना हुआ है कम से कम 20-25 का विषय मैं सही बोला हूँ ना, 20-25 लोग मर चुके होंगे जो है, क्योंकि ठंड इतनी अधिक है। जब ठंड आदमी से नहीं बर्दाश्त हो रहा है, जो बिस्तर में सोते घर में जो है, पशु से वहाँ बर्दाश्त कहाँ होगा ठंड। और आगे रात भर लाठी लेकर डंडा लेकर खेद रहे हैं, भगा रहे हैं, पीट रहे हैं इधर उधर, किसी का पैर टूट रहा, कोई कहीं गिर रहा है, तो लोगों का फसलों का नुकसान हो रहा है। इनके पर लोगों की जो है आक्रोश पैदा होता है, देख के भी उनको किसी प्रकार की कोई संतुष्टि नहीं होती, लोग नाराज भी जताते हैं। तो इस तरह रहने से जो हम लोग गौ माता इनको मानते हैं, माता कौन मानेंगे लोग, सब लोग पीटने के लिए तैयार है, माता कौन मान रहा है इनको। अगर इनका एक अस्थायी रूप से रहन सहन रहे मतलब कि रखा जाए तब तो ठीक है, लोग माता स्वीकार भी करेंगे, फ़ायदा भी है हम लोगों को, लेकिन लोग लाठी लेके पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। समस्या ये हुई कि रात दिन भर खेती और चरत हैं, रात भर खेती चरत हैं, सुबह जाए जाते हैं, सब परिवार पर था न काम करे के मिले था, उन कुछ करे के पड़ा था, और ओकरे बाद स्कूल में जाए बैठे थे, वहाँ लड़कियाँ ना पढ़े पावत हैं, यही कुल समस्या है।